इमरान खान साहब का आज चारसद्दा में जलसा था और उसने जो तकरीर शुरू की तो उसका शुरुआत कुछ इस तरह था। ये वीडियो आप देख लीजिए, फिर इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। डीजल, डीजल या मैलू, मैलू क्या है? देखो, इमरान खान साहब ने कहा कि डीजल या मैलू, और ये मैलू क्या चीज है? देखो, मैं खुद भी पीटीआई का वर्कर हूँ और मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। 2011 से मैं पीटीआई के साथ था हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा, लेकिन मैं अपने लीडर के लिए कुछ अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। देखो, इमरान खान जो है ना, वो एक बहुत बड़ा लीडर है आजकल, उसका बहुत बड़ा नाम है, सारा दुनिया जो है ना उसको जानता है कि इमरान खान एक बहुत बेस्ट लीडर है इन द वर्ल्ड में। लेकिन इमरान खान जो ये अल्फाज यूज़ कर रहे हैं ना, देखो ये एमल वली, मौलाना फजल रहमान, देखो अगर वो आपके पीछे ये बातें करते कि ये फितना खान है और ये यहूदी को एजेंट है वो, लेकिन इमरान खान साहब को इस तरह अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बहुत बड़ा लीडर है ना, तो उसको प्रूव करना चाहिए कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा लीडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं और मेरे साथ बहुत सारे नौजवान हैं। तो देखो ये नौजवान आपसे, देखो अगर आप इस तरह अल्फाज यूज़ करेंगे ना तो ये नौजवान आपसे क्या सीखेंगे, तो हमारी सियासत आखिर किस तरफ जाएगा? देखो ये और सियासतदान जो है ना, उन लोगों का तो काम यही है कि वो गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं अपने जलसों में, वो गालियाँ और गलो जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था कि वो अपना शुरुआत जो है ना मेलू और डीजल इन चीज़ों से वो करे, उसको चाहिए कि वो शुरुआत कुछ अच्छी बातों से करे कि हमारे नौजवानों को जो है ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो अगर आप भी मेरे इस बात से मुतफिक हो और एग्री हो तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं तो ख़ुद भी इमरान खान का सिपाही था हूँ, इंशाल्लाह रहूँगा, लेकिन इस बात से जो है ना मैं एग्री नहीं करता इमरान खान साहब के साथ कि वो इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।